अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैंने कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या है भारत के सबसे अमीर मंदिर का इतिहास? क्या है वर्ल्ड बी का राज? क्या है इसे बंद रखने का कारण? क्या इसे खोला जा सकता है? क्या है इसके खजाने का मूल्यांकन? आज खजाना किधर और किसके पास है और इस पर किसका हक है? तो मिस्टीरियस स्टॉक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का चेरा द्रविड़ियन मिश्रित शैली का मंदिर है। 16वीं शताब्दी त्रावणकोर वंश केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर 108 वैष्णव मंदिरों में से एक है। 16वीं शताब्दी में केरल आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति स्वादिष्ट मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तब राजा मार्तंड वर्मा ने तिरुवनंतपुरम को व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तित किया। इस कारण कई देशों के साथ राजा मार्तंड वर्मा के व्यवहार बढ़े और राज्य में खुशहाली आई। कई वर्षों तक मार्तंड वर्मा ने राज्य कारभार अपने तरीके से चलाया। राज्य को दैविक स्वीकृति दिलाने के लिए मार्तंड वर्मा ने खुद को आजीवन विष्णु का सेवक घोषित किया और अपने धन संपत्ति को मंदिर के नीचे तहखाने बनवाकर सुरक्षित रखा। वर्ष 2011 में भारत के गुप्तचर विभाग यानी आईबी के पूर्व आईपीएस टीपी सुंदर राजन ने मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 7 सदस्यों की टीम ने अंडरग्राउंड चेंबर में मुआयना करना चालू किया। मंदिर के नीचे 8 गुप्त तहखाने मिले। इन चेंबर्स में से 5 को खोला गया। खोलने के बाद बेहिसाब संपत्ति बरामद की गई, जिसमें पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच आदि कई देशों की स्वर्ण मुद्राएं मिली। साथ में रत्नजड़ित आभूषण, स्वर्ण चांदी से बने बर्तन, मूल्यवान हीरे मोती, नीलम रूबी और शेषनाग पर लेटी विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। पूरे खजाने को निकालने के लिए 12 दिन का समय लगा, मगर सबसे रहस्यमय वॉल्ट बी को आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत न की। क्या है वॉल्ट बी का राज? बाकी वॉल्ट्स के मुकाबले वॉल्ट बी को सबसे रहस्यमय माना जाता है। इस वॉल्ट के दरवाजे पर दो विशालकाय सर्पों की आकृति उत्प्रेरित है। वॉल्ट बी प्राचीन अभियंत्रिकी का ऐसा नमूना है जो आज के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चैलेंज है। वॉल्ट बी की रचना में ना तो दरवाजे को बंद करने की कुंडी है, ना इस दरवाजे को लॉक करने का कोई छेद है। वॉल्ट बी का दरवाजा 3 सुरक्षा परतों से बना है। दरवाजे का पहला भाग लोहे की आरियों से बना है, दूसरा भाग मजबूत लकड़ियों से बना है और तीसरा और आखिरी दरवाजा लोहे की मोटी परत से सुसज्जित है, जिस पर दो खौफनाक सर्पों की आकृति बनी हुई है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में गुप्त धन की सुरक्षा विशालकाय सर्प किया करते थे। वॉल्ट बी को खोलने हेतु कई प्रयास किए जा चुके हैं, मगर सारे विफल हो चुके हैं। वॉल्ट बी को नागबंधम या नागपाश से अभिमंत्रित किया गया है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो इसे किसी स्पेसिफिक ऑडियो फ्रिक्वेंसी लॉकर से लॉक किया गया है। इस द्वार को गरुड़ मंत्र के सही उपचार से ही खोला जा सकता है, ऐसी मान्यता है। वैदिक साधना करने वाले ज्ञानी और साधु महात्मा इस गरुड़ मंत्र के सही उपचार से इस दरवाजे को खोला जा सकता है, यानी किसी स्पेसिफिक ऑडियो फ्रिक्वेंसी से ही इसे खोला जा सकता है। तब भारत कितना प्रगत था आप इसी बात से समझ सकते हैं। इन वॉल्ट्स को 2011 से पहले 1908 और 1951 में खोला जा चुका है। ऐसी मान्यता है कि वॉल्ट बी के रहस्य को उजागर करने वाले के साथ दुर्घटना होती है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2011 में खजाना बरामद होने के बाद हाई कोर्ट में मंदिर की संपत्ति सार्वजनिक करने की अपील करने वाले टीपी सुंदर राजन की किसी अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो जाती है। वॉल्ट के भीतर से पानी की लहरों का आवाज आता है और पास ही समुद्र है। कई जांचकर्ताओं के अनुसार मंदिर को लुटेरों से बचाने के लिए मंदिर को पानी में डुबोने का आपातकाल मैकेनिज्म बने होने के कई दावे लगाए जाते हैं। कई वैज्ञानिकों के अनुसार जिस शैली से सर्प की आकृति है वह डीएनए के समान दिखती है। इनके हिसाब से दरवाजे के भीतर कोई पावरफुल जेनेटिकली म्यूटेड वायरस छिपा हो, जो आज के कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो सकता है। 1767 और 1790 के बीच टीपू सुल्तान ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लूटने की कोशिश की, मगर उसके हर प्रयास विफल हुए। कईयों का मानना है मंदिर की संपत्ति पर नजर रखने वाले इसी तरह मिट्टी में मिल गए। 4 मई 1799 में
टीपू सुल्तान को ब्रिटिशरों ने बुरी तरह कुचल दिया। इस मंदिर का हिंदू वेद पुराणों में जिक्र किया है। इस चेंबर के भीतर कई महाविनाशकारी हथियार जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र आदि के राज कैद हो सकते हैं, जिसका पता चलने मात्र से ही कई विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए इसे किसी भी मानवीय और वैज्ञानिक तरीकों से खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त पाबंदी सुनाई है। खजाने का मूल्यांकन कितना है? गूगल के कई आर्टिकलों के अनुसार इसकी कीमत 22 बिलियन यूएस डॉलर यानी 11,000 करोड़ भारतीय रुपए मानी जाती है। मगर कई मैगजीन्स और अन्य रिसोर्सेस के अनुसार इस खजाने की हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू इसे ट्रिलियंस की कतार में लाकर खड़ा करती है। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस इतने सालों की मेहनत के बाद 2026 के अंत में 1 ट्रिलियन के मालिक होंगे। यानी आप सोच सकते हैं भारत के राजा तब कितने धनवान थे। आज खजाना किधर और खजाने पर किसका हक? खजाना बरामद होने के बाद इस पर कई विवाद उत्पन्न हुए। केरला सरकार इस धन को सार्वजनिक संपत्ति में विलीन करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि इस साम्राज्य के राजा श्रीचिरित थिरुनल बलराम वर्मा की 1991 में ही मृत्यु हो चुकी थी, जो त्रावणकोर के असली राजा थे। राजा की मृत्यु के उपरांत राजा के छोटे भाई उत्तराधन थिरुनल मार्तन वर्मा ने आगे का राज्य कारभार संभाला, जो केरल सरकार को अमान्य था, और खजाने पर सरकार ने अपना हक घोषित किया। 2013 में उत्तराधन थिरुनल मार्तन वर्मा ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। 14 जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का व्यवस्थापन और मंदिर की संपत्ति पर मंदिर की ट्रस्ट का हक घोषित किया। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड बी खोला जाना चाहिए? क्या होगा वर्ल्ड बी में? क्या वर्ल्ड बी के भीतर और खजाना मिल सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।